अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर क्वेश्चन नंबर ए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इडियम्स एंड फाइंड योर उर्दू इक्विवेलेंट्स। ये आप लोगों के पास मुहावरात दिए हुए हैं, इनके जो है वो उर्दू में क्या होगा उसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि इनके उर्दू के मीनिंग्स क्या है। ठीक है, नंबर वन है, इट इज़ ऑफ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इंग्लिश में इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, टू वेस्ट टाइम इन फीलिंग सॉरी अबाउट एन अर्लियर मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आज का काम कल पर मत छोड़ो। डू नॉट डिफर डूइंग things in future if you can do them now. out of the frying pan into the fire. आसमान से गिरा खजूर में अटका। to go from a bad situation to the one that is even worse. out of sight out of mind. आँख ओझल पहाड़ ओझल। people soon stop thinking about other people if they do not see them for a while. As you sow, so shall you reap. जैसी करनी वैसी भरनी। If you do bad things will happen to you. And if you do good things will happen to you. ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। How is wind described in the first stanza? पहले मिसरे में पहले मिसरे में हवा को किस तरह बयान किया गया है। इन द फर्स्ट स्टैंजा विंड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डीमन डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग ऑल अराउंड। व्हाट इज द विंड कंपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। पहले मिसरे में हवा का किस चीज से मुआवजा किया गया। In the first stanza, wind has been compared to a demon. It donates wind storm. What is wind doing to all man's work? हवा इंसान के शकारों के साथ क्या कर रही है? The wind is destroying man's wonderful works. It is leveling houses, buildings, etc. How does the scene look like when wind is still? जब हवा साकेत हो तो मंजर कैसा दिखाई देता है? When wind is still, it looks like eternal peace. The sky looks bright and blue. Gentle breeze whisper in the distance. What comparison is made in the second stanza? दूसरे मिश्र में क्या मुआवजा किया गया है? In the second stanza, wind is compared to a light breeze that blows gently, it whisper in low tune like lovers. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने ग्रामर पोर्शन पे। Identify demonstrative, reflexive and interrogative pronoun in the following sentences. इन sentences में आप लोगों को demonstrative, reflexive और interrogative pronouns जो हैं उनकी निशानदही करनी है। ठीक है, इसमें आप देखें, नंबर वन है हमारे पास हैंड मी दैट हैमर। इसमें कौन से होंगे? इसमें जो है वो दैट पे इन्होंने टिक किया हुआ है, तो जो दैट होगा ये होगा हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर टू होगा आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। इसमें माई सेल्फ होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही इज देयर, हु इज देयर,
हु जो होगा वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. ही हिमसेल्फ विल बी आवर न्यू फ्रेंड. हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकता है, इम्फेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है. इज़ दिस योर टीचर्स बुक. दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा. ठीक है. विच इज़ योर पेन. इसमें विच जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा. अब आ जाते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव्स. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है? वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है. जैसा कि आई एम रीडिंग, इसमें रीड के साथ जो है वो आईएनजी लग गया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया. पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की तीसरी फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. उसमें जैसे गो एंड गॉन, इसमें गॉन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है. ड्रंक जो है वो ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक. डंक जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है. ठीक है. चूज एप्रोप्रिएट पार्टिसिपल्स. अभी हमारे पास पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इसमें हम लोगों ने लगाने हैं. नंबर पहला है द मूवी वॉज रियली डैश. इसमें आएगा द मूवी वॉज रियली इंटरेस्टिंग. आवर टाउन इज सो डैश. देयर इज नथिंग टू डू हियर. आवर टाउन इज सो बोरिंग. फिर है आर यू डैश बोर बोरिंग विद द गेम विद दैट गेम. आर यू बोर्ड विद दैट गेम. फिर है हैव यू हर्ड हर लॉफ. इट्स सो डैश. आई एम रियली डैश विद वन ऑफ माई को वर्कर्स. हैव यू हर्ड हर लॉफ. इट्स सो अनोइंग. फिर है पास. पहला जो है वो आप लोगों के पास ए प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा. सेकंड जो है वो पास पार्टिसिपल होगा. लेकिन ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, उलट भी हो सकता है, देख के कीजिएगा. आई एम रियली अनॉयड विद वन ऑफ माई को वर्कर्स. आंसर है इसका द सिटी. नंबर फोर है द सिटी वॉज डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म. बी है द इंफॉर्मेशन वॉज क्वाइट डैश टू हिज रेपुटेशन. इस एक आंसर है द सिटी वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म. अब यहाँ पे पहला पास पार्टिसिपल आ गया. द इंफॉर्मेशन वॉज क्वाइट डैमेजिंग टू हिज रेपुटेशन. इसमें सेकेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया. नंबर फाइव का है दिस ट्रीटमेंट इज रियली ग्रेट. इट मेक्स मी फील सो डैश. बी है आई डिडंट लाइक दैट मूवी. आई थॉट इट वॉज टू डैश. नंबर एक आंसर होगा दिस ट्रीटमेंट इज रियली ग्रेट. इट मेक्स मी फील सो रिलैक्स्ड. बी का आंसर है आई डिडंट लाइक दैट मूवी. आई थॉट इट वॉज टू डिप्रेसिंग. ठीक है. हमारे पास ये ख़त्म हो गई है हमारी एक्सरसाइज ग्रामर की भी. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक, अब हमारे पास रह गए हैं इसका सेंट्रल आइडिया और समरी. हम वो दोनों चीज़ें करेंगे. ठीक है. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.